अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हैदराबाद के पुराने शहर अलियाबाद से। अलियाबाद प्लेग्राउंड में बनने वाला है कम्युनिटी हॉल, इस बात का डिक्लेरेशन किया है हमारे AIMIM के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने, और उनके साथ मौजूद थे हमारे MLA मौजम खान। वहीं पर इन्होंने ये कहा, आवाम के मसले मसाइल जिस किसी के भी है वो आकर इस कम्युनिटी हॉल में हमसे रब्ता पैदा कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं, इस तरह से वहाँ के एरिया कॉर्पोरेटर ने कहा। अब जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेटर इलेक्शन आने वाले हैं जिसके दरमियान बहुत अच्छे अच्छे काम भी होंगे, लेकिन वहीं पर अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद पुराने शहर के मासूम बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं बचा है खेलने के लिए कूदने के लिए। क्या हमारे पुराने शहर के गरीब नौजवानों को खेलने कूदने का कोई हक है या नहीं है? वैसे भी कई कब्रस्तान को मिटा दिया गया और कई प्लेग्राउंड्स को जो है प्लॉटिंग कर दी गई। अब गिने चुने शायद ही कहीं होगा पुराने शहर में प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड्स कब बनेंगे, कब हम जैसे गरीबों के बच्चे भी जाकर उस प्लेग्राउंड में खेलेंगे? तो बहरहाल आइए AIMIM पार्टी से बेहतरीन कारनामा हम आपको दिखाते हैं। एक सेकंड भाई थोड़ा। आदिल भाई, अरे भैया आप में छटो आ रहा हूं भाई, जरा रंग दे दबे। इस्माइल भाई, इस्माइल भाई कहां है? इस्माइल अनवर भाई, हमारे हां आदिल कहां काम करो बाकी हमारे पूरे पार्टी के। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर शालीबंडा जो डिवीजन है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हिस्सा शालीबंडा डिवीज़न को भी लगता है, और यहाँ के कॉरपोरेटर हमारे जनाब मुजफ्फर साहब और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमदीन व वर्कर्स आज के इनाग्रेशनों में मौजूद थे। आज जो इनाग्रेशन हुए हैं अलियाबाद कम्युनिटी हॉल के अंदर, अलियाबाद प्लेग्राउंड के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। तकरीबन उस कम्युनिटी हॉल की लागत 50 लाख रुपये की है, और सामने उसके ऑपोजिट एरिया में शमशीरगंज में एक कब्रिस्तान की दीवार उठा चुकी है जिसकी लागत 26 लाख रुपए थी। और उसके बाद मुग़ल फ़कीर शाह तकिए के अंदर भी इस कब्रिस्तान में भी दो बाउंड्री वॉल्स उठाए गए हैं, और इसके सामने के इलाके में और एक कब्रिस्तान में वहाँ एक बाउंड्री वॉल उठाई गई है। टोटल आज के जो इनाग्रेशन हो रहे हैं तकरीबन 85 लाख रुपीज़ के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपने अपने इलाकों में काम करिए, आवाम के साथ रहिए, आवाम के तकलीफ़ को समझिए, महल्ले के डेवलपमेंट को करिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके डिवीज़नों में और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए वो मुकम्मल करिए। उन्हीं की हिदायत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शालीबंडा डिवीज़न के जो पार्ट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगता है इसके अंदर और भी कामा सब मिला के कर 1,12,00,000 रुपए के आज के कामा हुए हैं इस डिवीज़न के अंदर। उसका इनाग्रेशन आज रखा गया था। मैं आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर आवाम से यह गुजारिश करता हूँ, जो भी आपके महल्ले के अंदर मसाइल है आप बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर से रब पैदा कीजिए, कॉरपोरेटर से रब पैदा कीजिए, मेयर से रब कीजिए। आपकी जो भी तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर करना हमारा फरीज़ा है और इंशाल्लाह ताला जो भी हद तक इम्कान कोशिश कर हम डेवलपमेंट इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, जिस मकसद से, जिस सोच और जिस फिक्र से हम, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिवीज़नों की, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सारे कामा कर रही है और कामा करवा रही है। और कई इनॉग्रेशन होना है और कई हमारे सैंक्शंस हो चुके हैं, हमारे काम ग्राउंडिंग हो चुके हैं, कामा स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला और भी आपके चैनलों के जरिए फिर प्रोग्राम रखे जाएगा और वहाँ के इनॉग्रेशन किया जाएंगे। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।